करने वाला मामला सामने आया है, जिसने कई फिल्मों की कहानी को पछाड़ दिया है। जहां आपसी रंजिश में विरोधियों को फंसाने के लिए महिला ने खुद पर ही गोलियां चलवा ली और पुलिस को तहरीर दे दी। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। महोबा शहर कोतवाली पुलिस सर्विलांस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों शहर में देर रात पुरानी रंजिश के चलते विरोधियों को फंसाने की साजिश में पुलिस ने एक महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया। पुलिस को आरोपियों से अवैध तमंचे और 20,000 की नकदी भी बरामद हुई है और सभी को जेल भेज दिया गया है। मामला शहर कोतवाली के संवत नगर स्थित सिंह भवानी मंदिर के पास का है, जहां ममता तिवारी ने बीते दिनों शहर के ही कुछ विरोधियों को फंसाने की साजिश के तहत 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर पुलिस तमाम साक्ष्यों और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। जिसमें हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि खुद ममता तिवारी ने अपनी नंद के साथ बाहर के लड़कों को बुलाकर फायरिंग करवाई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रहलिया सूर्य मंदिर के पास इन सभी आरोपियों को बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले साजिश करते हुए दबोचा है और अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में बड़ी सफलता हासिल की है। कुछ दिन पहले दिनांक 7 जनवरी को मोहल्ला समद नगर थाना कोतवाली महोबा पर एक फायरिंग इंसिडेंट सामने आया था, जिसके संबंध में दिनांक 8 जनवरी को एक FIR नंबर 18/24 अंतर्गत धारा 307, 504 व 506 दी गई तहरीर के अनुसार पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादनी द्वारा बताया गया था कि पूर्व की किसी रंजिश को लेते हुए कुछ लोगों ने उनके दरवाजे पर आकर इस फायरिंग इंसिडेंट को कारित किया है। यह अत्यंत ही गंभीर एक प्रकरण हमारे सामने आया था, जिसमें कई टीमों का गठन किया गया था। लगातार इसमें सुराग रसी पता रसी करी जा रही थी। CCTV, CDR व अन्य साइंटिफिक साक्ष्यों के आधार पर गठित टीम द्वारा इस घटना का आज खुलासा किया गया है। पुलिस टीम ने इसमें निश्चित ही बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं निरीक्षक कोतवाली नगर व अपनी स्वाट और सर्विलेंस टीम, साथ ही CO नगर, एडिशनल SP सबको बधाई देती हूँ और निश्चित ही इनको आगे पुरस्कृत किया जाएगा। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।